सॉन्ग दी गल करिए, सेरा सॉन्ग थोड़ा हाल ही च रिलीज होया आ। इस असी ओही कोशिश की है कि रिदम भी होए लेकिन नालों नाल साडा ट्रेडिशन भी जिंदा रहे, वो भी यंग जनरेशन तक पहुंचे। ये लग्या कि ये सॉन्ग आना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए, इट्स सो कैची एंड म्यूजिक तो सर ने दिता ही इन्ना प्यारा है। सो एक लाइव गाना स्टूडियो दे विच गाना कितना का फर्क लगा? जो ऑडियो रिलीज कंप्लीट हो गया से फिर कोशिश की कि इस गाने नू ध्यान च रखते हुए ते पंजाबी कल्चर थोड़ा जा उदे च नजर आए। स्टूडियो गाते हो तो थोड़ा एक दायरे च रह के गाना पैंदा, एक मीटर च रह के गाना पैंदा, तो ये लिटिल बिट शुरू च लग्या सी थोड़ा जा डिफरेंट, नॉट टफ एक्चुअली। अजकल सॉन्ग जो गल कर रहे हो कितने कितने उस वायलेंस दिखता है और यंग जनरेशन पहले असं देख ही रहे हैं किस किस पास जा रही है। स्टेज पर बहुत परफॉर्म किया है लेकिन इस तरह नाल और इन्ने वे बैनर तले रिलीज़ हो रहे सॉन्ग्स तो एक्साइटमेंट बहुत सी एंड दैन आई ऑलवेज विश्ड कि मैं इनैक्ट भी करा नाल एंड दैन आई ऑलसो डिड दैट। एक्चुअली अगर तुसी वाकई यू लव योर म्यूजिक, यू लव योर सिंगिंग ना, तो एक्टिंग तुहानू करनी नहीं पैंदी, वो ऑटोमैटिक हो जाती है। लोक संगीत की गल करिए, फोक म्यूजिक की गल करिए, तो आज के टाइम के कितने ना कि विलोप हों जा रहा, उसनों लोग ज़्यादा सुन नहीं पा रहे क्योंकि आज के टाइम के जिथे बाकी कलाकार ने मार ताड़ वाले म्यूजिक लियाने शुरू कर दिए जिसन ऑडियंस के वालों बहुत ज़्यादा सुनिया भी जाता, पर आज के टाइम के उत्ते इदा एक सॉन्ग रिलीज़ होया है फोक म्यूजिक जिसनों लैके आए हैं जी डॉक्टर पूजा, सत श्रीकाल। सत श्रीकाल। उन्होंने नाल ही म्यूजिक डायरैक्टर ने जी रणवीर कुमार, सत श्रीकाल। सत श्रीकाल। की हाल चाल? वधिया, बहुत बढ़िया। अच्छा मैम, थोड़ी जर्नी की गल करिए तो पहले म्यूजिक जर्नी के बारे दसो क्योंकि थोड़े परिवार के इदा का माहौल रहा है, म्यूजिक का माहौल रहा, सो तुहानू इन्ना टाइम क्यों लग गया सामने आने दे विच? बस सामने ही नहीं आई लेकिन मैं अपना जरा संगीत सीखन का जो जर्नी सी वो मेरी शुरू तो ही बस कायम रही है और चलती रही है, हाले तक भी चल रही है, बस मैं रिकॉर्डिंग वाले पासे नहीं तुरी और हुन शुरुआत की है। शायद हुनो समा आया है कि मुझे मैं इधर आना चाहिए, रब वालों निश्चित होया होना तो मैं आ गई हूँ। अच्छा म्यूजिक की तुसी गल की कि तुसी रियाज भी करते रहे हो, हुन स्टूडियो दे विच आके गाना होया, सो एक लाइव गाना स्टूडियो दे विच गाना कितना का फर्क लगा? मैनु काफ़ी फर्क लगा एक्चुअली क्योंकि लाइव च तुसी यू आर टोटली फ्री कि तुसी कुछ भी गाते हो, राइट? लेकिन अगर स्टूडियो गाते हो तो थोड़ा एक दायरे च रह के गाना पैंदा, एक मीटर च रह के गाना पैंदा, तो ये लिटिल बिट शुरू च लग्या सी थोड़ा जा डिफरेंट, नॉट टफ एक्चुअली, तो वो भी आई थिंक दो तीन बार करन नाल आई गॉट यूज टू इट। सॉन्ग की गल करिए, सेरा सॉन्ग थोड़ा हाल ही रिलीज़ होया है, वैडिंग सॉन्ग आ जो कि बहुत ही प्यारा, इस सॉन्ग के मैं लोकेशंस की गल करूँगी, जो सैट दिखाया गया पंजाबी कल्चर भी दिखाया गया तो नाल दी नाल वैसटर्न टच भी दिता गया, उस चीज़ के बारे थोड़ा एक्सप्लेन ये सर दसेंगे थोड़ा। एक्चुअली जो ऑडियो रिलीज कंप्लीट हो गया से फिर कोशिश की कि इस गाने ध्यान च रखते हुए तो पंजाबी कल्चर थोड़ा जा उस नज़र आए और फिर बहुत अच्छा शूट किया कुलदीप दीप जी ने, तो वो डिजाइनिंग प्रॉपर मैम की जी डिजाइनिंग सी ड्रेस वो बहुत सिलेक्टेड की कल्चर पंजाब का दिखे, तो वो आप जिन्हें देख लिया बहुत वधिया लगे। तो वैसटर्न ट्विस्ट भी आया वो आइडिया के दस जी, वैसटर्न ट्विस्ट आया सॉन्ग दे विच पंजाबी कल्चर दे नाल जी, सो वो आइडिया किस दा? वो डायरेक्टर दा सीगा जो उन्होंने शूट करना सी, तो वो अब अलग अलग थॉट चो शूट कर रहे थे तो उन्होंने अपना आइडिया से इस तरीके नाल शूट कर चुके जी। सॉन्ग की गल करिए तो इस दे विच फोक संगीत हैगा, फोक म्यूजिक दिखाया गया, लोकेशंस भी बहुत अच्छे दिखाया गया ना, सो थोनू की लगता है कि आज के टाइम दे विच फोक म्यूजिक क्यों पीछे रह रहा है? मे बी द चॉइस ऑफ यंग जनरेशन, वो क्योंकि उन्होंने शायद वो संगीत सुनने ही नहीं मिले, है ना, वो प्योर फॉर्म ऑफ म्यूजिक उन्होंने ज़्यादा सुनिया ही नहीं, तो उन्होंने जोड़ा म्यूजिक मिलता गया एंड कैची म्यूजिक मिलता गया, दे वॉन्ट जस्ट रिदम एंड दे वॉन्ट मस्ती काइंड ऑफ थिंग्स, तो इस असी उही कोशिश की है कि रिदम भी होए लेकिन नालों नाल साडा ट्रेडिशन भी जिंदा रहे, वो भी यंग जनरेशन तक पहुँचे। मतलब आज दे टाइम नू ध्यान दे विच रख गया फोक म्यूजिक नू भी पूरा मतलब मिक्स करके बनाया? बिल्कुल।
अच्छा सॉन्ग की गल करा सेरा सॉन्ग नो प्लीज तुसी थोड़ी अच्छी लाइना गा के सुना। ओके सेरा बनिए पंज लड़ियां हीरे मोती लाला जड़ियां सेरा बनिए पंज लड़ियां हीरे मोती लाला जड़ियां हमें नी किसे मालन परोया सोना सेरा हमें नी किसे मालन परोया सोना सेरा सेरा बनिए पंज लड़ियां हीरे मोती लाला जड़ियां। बहुत ही खूबसूरत मैम। सॉन्ग जिहड़ा है ये तुहाडे तक किवें पहुंचा लिखिया कि नहीं है सॉन्ग पहले तो मैं ट्रेडिशनल सॉन्ग लोक गीत तो लोक गीत जिदा नाम ही दसदा है कि वह चलते ही चले आते हैं जनरेशन टू जनरेशन राइट तो बस मम्मा दादी नानी जिन्हों तो भी असं सुनिया बचपन तो सुनते रहे तो यह लग्या कि यह सॉन्ग आना चाहिए रिकॉर्ड करना चाहिए इट्स सो कैची एंड म्यूजिक तो सरने दिता ही इन्ना प्यारा तो नवेपन के नाल म्यूजिक लैके आए ताकि यंग जनरेशन भी उन्होंने इंजॉय कर सके राइट। सर थोड़ी गल करिए अपने करियर की शुरुआत कितों करी पहले तो मैं यही जानना बिल्कुल 15 साल हो गए जी कंपोज करते रहो और गज़ल कॉन्सर्ट करते क्योंकि मैं गज़ल सिंगर भी हूँ और 12 साल के बाद मैंने पंजाबी गाने रिलीज़ किए हैं क्योंकि मेरी पहली एल्बम मित्रा द बूट थी कि दुनिया मतलब सभी पंजाब में काफ़ी चली वो हिट हुई और उसके बाद अब ये ट्रेडिशनल सॉन्ग पंजाब के जिसमें पंजाब का फोक पंजाब का कल्चर नज़र आएगा। सर 12 साल का टाइम क्यों लग गया? मैं अपने कुछ कॉन्सर्ट अपनी एल्बम गज़ल एल्बम में बिजी था कुछ मेरे और प्रोजेक्ट चल रहे थे और फिर उस तरह की पोइट्री नहीं मिल रही थी जो कि जिसमें पंजाब का कल्चर नज़र आए तो इन गानों में पूजा जी ने बताया कि ये गाने हैं तो मुझे अच्छा लगा कि ये गाने अच्छे हैं और आप पूरी फैमिली के साथ इनको सुन सकते हो देख सकते हो तो वो फिर हमने गाने सिलेक्ट किए और उनको रिकॉर्ड किए। आज दी म्यूजिक दी गल करिए तो आज दा म्यूजिक दे विच बहुत ही हथियारा दा इस्तेमाल किया जाता है मारधाड़ होंदी आ सो हाल ही दे विच इदां दे सॉन्ग्स भी आए हैं सिंगर्स दे जिद्दां सिद्धू मूसेवाला हो गया उन्हां दा सॉन्ग आया सीगा बहुत सारिया कॉन्ट्रोवर्सीज भी होंदियां लैके उन्हां दे पॉइंट आउट भी किया जाता कि इदां दे सॉन्ग्स गाउंदे तुहाडा आज दे म्यूजिक नूं लैके की सोचनी? अगेन मैम म्यूजिक मैं ये लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है सोसाइटी वल और यंग जनरेशन वल अगर असं सोसाइटी कुछ भी चेंज करना चाहते हैं अच्छा देना चाहते हैं वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट अ लॉट थ्रू म्यूजिक और शायद मैं अपने गाने थ्रू ही कोशिश की है और अजकल के सॉन्ग जो गल कर रहे हो कितने कितने उस वायलेंस दिखता है और यंग जनरेशन पहले असं देख ही रहे हैं किस किस पास जा रही है तो अगर असी कोशिश करिए कि यंग जनरेशन नू सोसाइटी नू कुछ अच्छा देन दी संगीत राही कोई अच्छा मैसेज देन दी ते मे बी उम्मीद तो दुनिया कायम है तो शायद चेंजेस आ जान ते मेरी भी वही कोशिश है। बहुत बढ़िया कोशिश है थैंक यू। सेम के जो पंजाब में आजकल जो म्यूज़िक चल रहा जो लोग सुन रहे हैं वो थोड़ा रियल म्यूज़िक को रियल इंस्ट्रूमेंट्स को हमारा ट्रेडिशनल जो पंजाब का है पंजाब का कल्चर है उसको आगे बढ़ाएं उसको सुने उसको प्रमोट करें जी। थोड़ी मैं होनी थोड़े टाइम पहले सुनिया कि तुसी सतिंदर सरताज जी दे नाल भी रहे हो मतलब उत्थे स्टूडेंट्स रहे हो तुसी जी साथ रियाज भी करया होया सो किवें दा एक्सपीरियंस रहा? बहुत वधिया उदो स्टूडेंट लाइफ सी जी मतलब वी वर मतलब इनटू फुल ऑन रियाज वाले दिन सी ओ साडे ते अच्छियां यादां रहियां उस टाइम रियाज 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 बस। अच्छा रियाज किन्ना टाइम करदे एक दिन दे विच किन्ने घंटे रियाज कर? अगर हुण दी गल करो मैम हुण तां जिद्दां पहले बहुत कीता है हुण लेकिन फिर भी घंटा दो घंटा इन्ना तां कढ दिंदा है क्योंकि अगे फैमिली है रिस्पोंसिबिलिटीज हैं जॉब है सब कुछ है लेकिन रियाज छड्डिया नहीं है रियाज कायम है और शायद ताईं गा भी पा रहे हैं लेकिन अगर पहले दा रियाज कहिंदे आ ना किते जांदा नहीं तुहाडा कीता होया तो उही कम आ रहा तो यूनिफ टाइम्स बहुत रियाज कीता है मतलब यूनिवर्सिटी बंद होने वाली होंगी सी तो असं घर आईदा सीगा मतलब रियाज करके घर आते ही दैन अगेन रूम लॉक एंड दैन रियाज मतलब मम्मा नू बार बार बुलाना पैंदा सी कि कुछ खा ते लै मतलब पागलों वाग रियाज कहते हैं वह किया होया सो रियाज जिहड़ा थोड़ी गायकी दे विचों साफ नज़र आ रहा बहुत ही सोहनी आवाज़ हैगी
मैं गल कर रही हूँ कि जिमें सोंगस आते हैं तो सोंगस के नज़र आ रहे हो, सो बड़े ही प्यारे तरीके नज़र भी आ रहे हो, बहुत खूबसूरत भी लग रहे हो और सामने भी बहुत सोहने लग रहे हो। सो सोंग के थोड़ा एक्सपीरियंस किमें रहा काम कर? बहुत ही वधिया एक्चुअली अगेन हुई कि इस तरफ कदे आई नहीं सी, आन की इच्छा हमेशा रही, स्टेज पर बहुत परफॉर्म किया है लेकिन इस तरह नाल और इन्ने वड्डे बैनर तले रिलीज़ हो रहे सोंग्स तो एक्साइटमेंट बहुत सी। एंड दैन आई ऑलवेज विश्ड कि मैं इनएक्ट भी करा नाल, एंड दैन आई ऑलसो डिड दैट। और पिछे मैंने किसी रिपोर्टर ने और पूछा कि एक्टिंग कितना जरूरी है, मैं क्या एक्टिंग एक्चुअली अगर तुसी वाकई यू लव योर म्यूजिक यू लव योर सिंगिंग ना तो एक्टिंग तुहानू करनी नहीं पैंदी, वो ऑटोमैटिक हो जाती है, एक्सप्रेशन कम्स ऑन योर फेस ऑटोमैटिकली। तो आई जस्ट इंजॉयड माई सोंग्स एंड दैट्स इट एंड आई लव इट। अच्छा तुसी टीचर भी हो? जी। सो बच्चों नू सिखांदे हो म्यूजिक? बिल्कुल डांटे बिना प्यार नाल? हाँ डांट तो मैं सकती नहीं। आज दे बच्चों दे विच ओनी मतलब दिखाई दिंदी है कि कहंदे कंट्रीब्यूशन सोंग नू लेके पहले दे टाइम च परसेंटेज बहुत घट गया क्योंकि बच्चों नू भी म्यूजिक सुनन नू केड़ा मिल रहा है ना, प्योर फॉर्म ऑफ म्यूजिक बहुत घट मिल रहा है तो जेड़ा बच्चे वो छोटे होंदे तो सुनते चले आ रहे हैं उन्होंने वही शायद अच्छा लगन लग जाता है, लेकिन वेन एवर दे लिसन समथिंग गुड हूँ जिदा मेरे सोंग्स होए बच्चों ने सुने मैम बहुत डिफरेंट है, मैम बहुत अच्छा है, दे यूज टू से दिस, मतलब उन्होंने भी जो पसंद आ रहा है वो तो अज की जनरेशन है दे आर जस्ट लविंग इट। तो मैम इसमें ये भी है ये भी है, तो यू आर लुकिंग गुड एंड यू हैव संग सो ब्यूटिफुली, तो मतलब वो हट के अगेन वही है कि असी उन्होंने चीज़ उन्हें सामने लैके आवेंगे अच्छी ता ही शायद वो पसंद भी कर पाएंगे, जो उन्होंने चीज़ मिलेगी नहीं दिखेगी नहीं तो है ना। आज के टाइम के कोई फेवरेट सिंगर होवे जो आज के टाइम सुनना पसंद कर रहे हो? मतलब अज के दौर के ही सिंगर पंजाबी की गल करो तो गुरदास मान जी हैं, सतेंद्र भी सुन लीदा सरताज न है ना, तो वैसे पहले हमेशा जगजीत जी होए गुलाम अली जी इन्होंने बहुत सुने, नुसरत जी ने बहुत सुने, इन्हों ज़्यादा सुने मैं हमेशा। तुम उन्हों का कोई गीत सुना दो अच्छा इन्हों चो किसी का भी सुना जो थोड़ा फेवरेट होवे जो तुसी दिखाई दी लता जी का गाना, लता जी का बहुत अच्छा गाते हैं। ओके ट्रिब्यूट भी हो जाएगा। अभी बाहर पता नहीं कौन सा गा रही थी, वो भी अच्छा था दिखाई दी यूं के बेखुद किया हमें आपसे फिर जुदा कर चले, दिखाई दिए यूं। बहुत सोहनी आवाज सर, थानू की लगता कि आज के टाइम के बॉलीवुड के बॉलीवुड के किवें किन्ना क फर्क समझ किन्ना क बदलाव आया या बॉलीवुड के किन्ना क चेंजेस है बॉलीवुड नू लैके किवें दा लगता? बदलाव तो कंपोजर और डायरेक्टर के उत्ते होंदा है, उन्हें किस तरीके की पोइट्री आ रही है, वो लिरिक्स आ रहे हैं, उन्होंने कंपोज किस तरीके कर रहे हैं, फिर वो म्यूजिक की डिजाइनिंग किस तरीके कर रहे हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक डायरेक्टर की रिस्पोंसिबिलिटी है कि वो किन्ना इंसाफ कर रहे हैं। तो मेरी अपनी कोशिश है कि मैं ज़्यादा अकॉस्टिक म्यूजिक यूज़ करता हूँ। अपकमिंग सोंग्स की गल करिए प्रोजेक्ट्स की गल करिए तो थोड़े तो दो सोंग्स आने वाले है रिलीज़ होने वाले हैं, इस तो इलावा तुम और की सोचो? मैम मूवीज़ भी मैं मूवीज़ ले भी दो सोंग मेरे रिकॉर्ड हुए हैं, एंड इन्हों की सर की गज़ल एल्बम है उस भी मैं गा रही हूँ दो गज़ल्स। हाँ तो अगे और सोलो गज़ल्स भी आ रही हैं, सोलो गज़ल्स भी आ रही हैं। क्या थैंक यू। अभी तो जस्ट कुछ ट्रैक रिलीज़ होने पर इनके दो ट्रैक रिलीज़ होने हैं, मेरी गज़ल एल्बम इजहार पूरी रिलीज़ होने पे ही है वो भी, और इनके सोलो गज़ल्स हैं, कुछ फिल्मी प्रोजेक्ट भी हैं वो पाइपलाइन में हैं, फाइनल हो चुके हैं तो उस पर वर्क चल रहा है जी। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेज थानू थोड़े अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए एंड कॉन्ग्रेचुलेशन थानू थोड़े सॉन्ग दे। थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर।